पहले तो सर्वांग का रूप ध्यान करें, पूरे शरीर का। फिर जब कुछ जम जाए रूप ध्यान, तो खाली मुखार बिंद का करें। रूप ध्यान में दो बातें सामने लाओ, एक तो ये जो सामने खड़े हैं, मैं देख रहा हूं, उनकी पलकें भज रही हैं, मुस्कुरा रहे हैं, यानी चल रूप, पत्थर की मूर्ति सरीखा नहीं, जैसे हम लोगों का शरीर है चलता फिरता, ऐसे उसमें क्रियाएं हो रही हैं। इस आनंद में विभोर होना। और दूसरा रूप ध्यान है कि सामने खड़े हो और फिर भी प्रत्यक्ष नहीं दर्शन देते हो, मैं इतना बड़ा पापी हूं, आप तो पतित पावन है, कृपा करो सन्मुख आओ, ये भावना करके फील करके आंसू बहाना, यानी वियोग का ध्यान संयोग का ध्यान, दोनों को करना है, लेकिन वियोग का ध्यान जब तक न बने संयोग का करो, करना अवश्य है, आंसू नहीं आते तो भी रूप ध्यान का अभ्यास करना है, एक दिन आएगा, जबरदस्त आएगा।